Welcome all. In this video, we are going to learn or know the timeline of atomic models of theory. यानी कौन से कौन से एटॉमिक मॉडल्स कब कब बताए गए, यानी कौन से ऑर्डर में डिस्कवरीज हुई, उसकी हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे. ऑल द रिलेटेड डिस्कवरीज दे कैन नॉट बी कवर्ड एक्चुअली, तो इसलिए मैंने जो मोस्ट प्रोमिनेंट लगने वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पर कवर की है. जब हम इंडिविजुअल थ्योरी स्टडी करेंगे तब मैं और उसमें डिटेल्ड कुछ पार्ट्स बताने की कोशिश करने वाला हूँ. सो एटम एक्चुअली चीज़ें यानी जो बनती है राइट, वो कैसे किस चीज़ से बनी हुई हैं, ऑल द मटेरियल्स वो कैसे बने हुए हैं, इसके बारे में एटम का पहला कंसेप्ट अर्ली आइडियाज जो है वो नियरली आज से 2500 साल पहले नियरली 400 टू 500 BCE बिफोर क्राइस्ट ईरा, जीरो के भी पहले. समझ में आया ना? अभी सपोज 2020 चल रहा है तो आप यहाँ से 2500 साल पीछे चले जाओ. एक लिकेपस करके एक फिलोसोफर थे और उनके स्टूडेंट डेमोक्रेटस, ये दोनों के दोनों ग्रीक्स हैं. तो इन्होंने यानी लिकेपस ने एटम का कंसेप्ट पहले रखा, डेमोक्रेटस ने उस आइडिया को आगे लेकर गया. तो उन्होंने जो वर्ड यूज किया था एटोमोस, एटोमोस का मतलब है नॉट डिविजिबल और कटेबल, जिसको और ज्यादा कट किया नहीं जा सकता या और ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता, ऐसी चीज को एटोमोस बोला जाता है. तो वहीं से एटम वर्ड आया. लेकिन उसे समय के नजदीक इंडिया में भी महर्षि कनाथ करके एक है राइट, जिन्होंने अणु का कंसेप्ट यानी वही एटम का कंसेप्ट रखा. उन्होंने भी यहाँ पर नॉट डिविजिबल, एटम मतलब अणु मतलब क्या, तो जो और डिवाइड नहीं किया जा सकता, ऐसा बताया. कनाद महर्षि कनाद ने बताए हुए कंसेप्ट में ये भी है, उन्होंने बोला था कि एटम या फिर अणु इज इनविजिबल, वो इनविजिबल आंखों से नहीं दिखता, क्योंकि वो ऐसे स्टेट में होता है कि जहां पर मेजरमेंट पॉसिबल ही नहीं है. करेक्ट. वहीं पर हम लोग एक देखते हैं कि ये लुकेपस और डेमोक्रेटस ने जो एटॉमिक थियरी डेवलप की उसमें पर्टिकुलरली वो क्या बोल रहे हैं कि एटम्स जो होते हैं दे कम इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. अलग अलग मटेरियल के एटम्स अलग अलग टाइप के होते हैं, उनकी साइज अलग होती है, उनके शेप अलग होते हैं. डेमोक्रेटस ये बोलते हैं कि जैसे सपोज मटेरियल दिखता है, तो जैसे आप दूर से सपोज कोई एक बीच को देख रहे हो राइट ना, या फिर एक नदी का किनारा देख रहे हो, तो वहां पर रेत दिखती है. दूर से देखोगे तो दैट इज अ सिंगल एंटिटी काइंड ऑफ थिंग, लेकिन पास जाके देखोगे तो उसमें स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हमें पता चलते हैं. तो वो बोलते हैं कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ दिस एटम्स ओनली राइट. अब ये एटम्स हर चीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट शेप्स और साइजेस के रहेंगे. उन्होंने अपने थॉट प्रोसेस ऐसे लेके गए, उन्होंने बोला कि चलो आयरन कैसा रहता होगा, आयरन तो आयरन बहुत मजबूत होता है, तो उसके एटम्स में उन्होंने इमेजिन किया कि उनके एटम्स में शायद हुक्स जैसा कुछ अरेंजमेंट रहता होगा जो आपस में बहुत अच्छे तरीके से फंस जाता है, इंटरलॉक हो जाता है, जिसकी वजह से आयरन बहुत स्ट्रांग होता है. उन्होंने ये भी इमेजिन किया कि सॉल्ट जो होता है राइट, तो उसके पार्टिकल शायद बहुत ऐसे नुकीले होते हैं, उसके वजह से शायद हमें जो पर्टिकुलर टेस्ट आता है सॉल्ट का वो आता है. उन्हें लगता है कि वाटर की प्रॉपर्टी इसलिए आती है क्योंकि वाटर के जो एटम्स होते हैं वो स्मूथ होते हैं, स्लिपरी होते हैं, या फिर एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो लाइट और व्हर्लिंग होते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी आती है. एक्चुअली डेमोक्रेटस ने वॉइड का भी कंसेप्ट, वॉइड यानी एम्प्टी स्पेस, उसका भी कंसेप्ट, उसकी बात की. एक्चुअली ध्यान में रखो, ये जो कुछ भी डेमोक्रेटस या लुकेपस ने कंसेप्ट रखा राइट, या फिर कनाद ने रखा, एक्चुअली ये सभी लोग उस वक्त पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर रहे थे. ये थॉट प्रोसेस ऑब्जर्व करना और उसके हिसाब से ये पूरी दुनिया कैसे बनी होगी उसके आइडिया पुट फोर्थ करना, ये काम चल रहा था. इसमें अलग अलग थॉट प्रोसेसेस थे, इनमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस है एटम्स राइट, जो कि आज हमें लगता है कि थोड़ी बहुत करेक्ट है. ऑब्वियसली इसमें भी कई सारे फ्लॉज जरूर होंगे, लेकिन ये आज हमें थोड़ी बहुत करेक्ट लगती है. लेकिन ना क्या हुआ कि डेमोक्रेटस ने ये जो आइडिया बताई उनके बाद में एक बहुत ही पावरफुल दूसरा फिलोसोफर हुआ जिनका नाम शायद आप सभी को मालूम है, अरिस्टोटल. अरिस्टोटल ने ये थ्योरी रिजेक्ट की, उन्होंने ये थ्योरी एक्सेप्ट नहीं किया एटम का. अरिस्टोटल का मानना था कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ बेसिक एलिमेंट्स. उन्होंने एलिमेंट्स जो है वो कौन से माने, उन्होंने एलिमेंट्स माने जैसे एयर, फायर, अर्थ एटसेट्रा. आपको मालूम है जैसे हम लोग इंडियन फिलोसॉफी में भी पंच महाभूत बोला जाता है राइट ना, तो ये ऐसे एलिमेंट्स से सब चीजें बनी होती है. एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ दिस फोर एलिमेंट्स, ऐसा एरिस्टोटल ने बताया.
और उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग मटेरियल बनता है। और एरिस्टोटल का व्यू कई, यानी हम लोग बोलते हैं, बोल सकते हैं सेंचुरीज तक माना गया, राइट, बिकॉज ही वॉज वेरी वेरी मोर प्रोमिनेंट थिंकर, जिसके वजह से डेमोक्रेटस और लिकेपस के आइडियाज जो है वो थोड़े से पीछे पड़ गए थे। एक्चुअली कई, जैसे मैंने बताया कि कई सेंचुरीज तक डेमोक्रेटस की आइडिया, यानी एरिस्टोटल की आइडिया मानते रहे सब लोग। लेकिन फिर अगला जो कुछ भी ब्रेक थ्रू आया वो आया 1808, 1808 में। जॉन डॉल्टन करके एक ब्रिटिश स्कूल टीचर और थिंकर थे, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। अभी मैं उन एक्सपेरिमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने फिर जो कुछ भी सोचा वहाँ पर उनको ध्यान में आया कि एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम्स, एलिमेंट्स जो है, मटेरियल जो है वो बना होता है एटम्स से, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो और ज़्यादा डिवाइड नहीं किए जा सकते। तो ये थोड़ा सा आप देखेंगे कि थोड़ा सा डेमोक्रेटस वाले थ्योरी की तरफ जा रहे हैं। ऑब्वियसली एरिस्टोटल, यानी डेमोक्रेटस के बाद एरिस्टोटल की आइडिया आई। बीच में कुछ लोगों ने, जैसे न्यूटन या फिर बाकी कुछ लोगों ने कुछ ऐसे कंसेप्ट यूज़ किए जिसमें पार्टिकल्स का कंसेप्ट आया, लेकिन जॉन डॉल्टन को हम लोग क्रेडिट देंगे कि फिर से वो कंसेप्ट वापस लेके आना। तो उन्होंने बोला कि एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ इंडिविजिबल स्मॉल पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड एटम्स, और जो अलग अलग कंपाउंड्स बनते हैं वो कंपाउंड्स ये एटम्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन से बनते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। जैसे सपोज यहाँ पर मैंने अलग अलग एटम्स दिखाए, ये अलग अलग शेप साइज के एटम्स होंगे, वो अलग अलग फॉर्मेट में जब एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड्स बनते हैं। ये जॉन डॉल्टन का कंसेप्ट है। यहाँ तक वो कैसे पहुँचे, कौन से एक्सपेरिमेंट से पहुँचे, क्या उनकी हर थॉट प्रोसेस करेक्ट थी, इसके बारे में हम लोग कभी बाद में बात करेंगे। की आइडियाज क्या है, डॉल्टन ने जो एटम का स्ट्रक्चर बताया आपके एटम ऐसा होता है, वो बोलते हैं कि ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। आपने अगर कोई एक एलिमेंट लिया तो उसके सभी के सभी एटम्स सेम होते हैं। अलग अलग एलिमेंट के एटम्स अलग अलग होते हैं, लेकिन एक ही एलिमेंट के सभी एटम्स आर आइडेंटिकल। देन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स वेरी इन मास एंड साइज। जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम डिफरेंट होते हैं, लेकिन कैसे डिफरेंट होते हैं, तो उनका मास अलग होता है, उनकी साइज अलग होती है। और डाल्टन ने यह भी बताया कि एटम्स आर इनडिस्ट्रिक्टिबल, एटम्स को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते या फिर क्रिएट नहीं कर सकते, सिर्फ क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन में उनका अरेंजमेंट बदलता है, राइट। जैसे आपको मालूम है कि अगर हम लोग सपोज H2 और O2 का रिएक्शन लिखते हैं, तो हम लोग उस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं जब वो H2O बनता है। कैसे बैलेंस करते हैं, हम लोग इधर ट्वाइस H2O लेते हैं और यहाँ पर ट्वाइस H2 लेना पड़ता है। क्या देखते हैं हम लोग कि जितने इनिशियली एटम्स थे उतने ही एटम्स फाइनली बचते हैं। कोई एटम डिस्ट्रॉय नहीं होता, कोई नया एटम क्रिएट नहीं होता, सिर्फ क्या होता है उनकी आपस में अरेंजमेंट बदलती है। ये भी डाल्टन ने बताया। इसका मतलब आप सोचिए कि कितना बड़ा ब्रेक थ्रू डाल्टन ने दिया। अब क्या डाल्टन का एटॉमिक मॉडल सभी कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए सफिशियंट था? नहीं। तो ये डाल्टन का मॉडल 1808 में आया। उसके बाद किसी ने, अब मैं उन साइंटिस्ट के नाम यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा, शॉर्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्यूब का की खोज हुई। उस पर एक्सपेरिमेंट करते वक्त जे.जे. थॉमसन ने 1897 में, यानी 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। उन्हें इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के बारे में पता चला जो एटम के अंदर होता है, और फिर वही अपना कंसेप्ट आगे बढ़ते हुए उन्होंने एटम का एक नया स्ट्रक्चर प्रपोज किया। आपने ये देखा होगा कि डॉल्टन्स के स्ट्रक्चर में कहीं पर भी पॉजिटिव चार्जेस, निगेटिव चार्जेस, इसकी बात नहीं है, बस स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एटम, इतना बताया। जैसे कि सपोज बॉल्स, उसके अंदर क्या है उसकी बात नहीं है, राइट। लेकिन अब नए डिस्कवरी के साथ, इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के साथ, जे.जे. थॉमसन ने अपना मॉडल बताया जिसको प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। अब प्लम पुडिंग हमारे इंडियन सेंस में मेरे ख्याल से हमारे जनरल पब्लिक को इतने जल्दी से समझ में नहीं आता, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि सपोज एक आप स्फेरिकल, एक स्फीयर जैसा केक समझिए जिसके अंदर बीच बीच में चॉकलेट चिप्स रखे हैं, या फिर मेरे ख्याल से आप तरबूजा जानते हैं, वाटरमेलन, राइट ना, उसका कवर निकाल दो ग्रीन वाला, अंदर का सिर्फ सर्कल यानी स्फीयर कंसिडर करो, रेड स्फीयर। तो क्या है ना कि वो रेड स्फीयर जो बना है, ऐसा सपोज कि उस वो पूरा का पूरा पॉजिटिव मटेरियल से बना हुआ है, और उसमें जो बीज है छोटे छोटे वो सपोज इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऐसा मॉडल प्रपोज किया थॉमसन ने, क्योंकि उसको ध्यान में आ गया था कि निगेटिव चार्ज होते हैं, तब कुछ एक्सपेरिमेंट से निगेटिव पॉजिटिव चार्ज के बारे में पता चला। तो अब
जो जे जे थॉम्सन का मॉडल है वो ऐसा है कि इस यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया पॉजिटिवली चार्ज्ड पुडिंग जैसा होता है, राइट, और उसके अंदर निगेटिव चार्जेस है, ये स्फीयर है, ध्यान में रखो, सिर्फ सर्कल नहीं है, स्फीयर है। इस तरीके का स्ट्रक्चर जे जे थॉम्सन ने पुट फोर्थ किया। तो ये थॉम्सन्स मॉडल जो है, प्लम पुडिंग मॉडल, इसके की आइडियाज क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स आर मच मच स्मॉलर देन एटम्स, हर इलेक्ट्रॉन एटम से बहुत बहुत छोटा होता है, और टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एंड टोटल निगेटिव चार्ज इक्वल्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स हैं उनका टोटल निगेटिव चार्ज, और ये जो पुडिंग जैसा यानी कंटिन्यूअस मटेरियल जैसा ये हमारा पूरा पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज एक दूसरे को बैलेंस करता है और एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, राइट। और एटम्स आर नॉट इनडिविजिबल क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जा सकता है। ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन ट्यूब के एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल के बारे में पता चला था, कैथोड रेज के बारे में पता चला था, जिसका मतलब ये ध्यान में आ चुका था अब कि एटम में से इलेक्ट्रॉन जो एक छोटा पार्टिकल है बाहर निकाला जा सकता है, मतलब अब एटम नॉन डिविजिबल, इनडिविजिबल नहीं रहा, उसमें से पार्टिकल्स छोटे बाहर निकाल के उसको और डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ तक हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई थी। साल चल रहा है 1904। अब उसके आगे क्या हुआ कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड, उनका एक स्टूडेंट मार्सडेन और एक फेमस नाम गाइगर, राइट, इन गाइगर और मार्सडेन और रदरफोर्ड इन्होंने मिलाकर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, जो एक्सपेरिमेंट्स 1908 से लेकर 1913 तक बताए जाते हैं। नियरली आप देख सकते हो काफ़ी लंबा समय वो एक्सपेरिमेंट्स चले। ये एक्सपेरिमेंट्स थे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, जो आपने स्कूल में पढ़ा है, जिसके वजह से अर्नेस्ट रदरफोर्ड को ये ध्यान में आया कि एटम का जो मॉडल थॉम्सन ने बताया था उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने नया मॉडल बताया, न्यूक्लियर मॉडल, जो उन्होंने 1911 में बताया, राइट। आप देख सकते हो थॉम्सन का मॉडल 1904 में आया था, वहीं से आगे अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपना मॉडल 1911 में दिया। अब ये मॉडल में क्या होता है, वो बोलते हैं कि न्यूक्लियस सेंटर में होता है, राइट। ये न्यूक्लियस कैसा होता है, तो न्यूक्लियस इज टाइनी डेंस एंड पॉजिटिवली चार्ज। सो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, वो डेंस होता है काफी, उसमें मास जो है छोटी सी जगह पर मास भरा रहता है। ये रदरफोर्ड को ध्यान में आया था। फिर रदरफोर्ड ने बोला कि लाइट निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स लाइट होते हैं और निगेटिवली चार्ज होते हैं, वो सर्कुलेट करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे घूमते रहते हैं, जैसे यहाँ पर डायग्राम्स बताए गए, घूमते रहते हैं लाइक प्लैनेट्स अराउंड द मून सन। इसलिए इसे एक प्लैनेटरी मॉडल भी कहा जाता है, प्लैनेटरी मोशन मॉडल, कि इलेक्ट्रॉन्स यानी न्यूक्लियस सन के जैसा है और उसके अराउंड जैसे प्लैनेट्स घूमते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहेंगे, और उसके अलावा बाकी का जो कुछ भी स्पेस है, लार्ज अमाउंट ऑफ एम्प्टी स्पेस इज देयर इन द एटम्स, एटम्स में काफ़ी सारा स्पेस एम्प्टी होता है। इस तरीके का मॉडल अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने बताया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, राइट, क्योंकि ये मॉडल हम लोग कई कई सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए यूज भी करते हैं। लेकिन आगे चल के क्या हुआ कि क्लासिकल मैकेनिक्स और जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोरी है उसमें एडवांसेस हुए, तो पता चला कि एक्सेलरेटेड चार्जेस जो है एनर्जी रेडिएट करते हैं, जिसके वजह से एटम जो रदरफोर्ड ने बताया हुआ एटम का स्ट्रक्चर है वो स्टेबल नहीं होना चाहिए, लेकिन एटम तो स्टेबल होता है, जिस वजह से नील्स बोहर अपने काम में लग गए। नील्स बोहर ने एक नया एटॉमिक मॉडल दिया, उसके लिए उन्हें काम में आया मैक्स प्लैंक का डिस्कवरी, जो 1900 में मैक्स प्लैंक ने रखा था। उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए एक लॉ लिखा जिसमें एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, ये बताने की कोशिश की। वही क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट नील्स बोहर ने ऑर्बिटल के लिए यूज किया। नील्स बोहर ने रदरफोर्ड के मॉडल को मॉडिफाई किया और क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन की रेडियस कितनी भी नहीं हो सकती, बल्कि इलेक्ट्रॉन की रेडियस पर्टिकुलर साइज की और एनर्जी की होती है फिक्स्ड, और वो साइज और एनर्जी ऐसी होती है कि जहां पर स्टेबिलिटी आती है। ओके, तो ये बोहर्स एटॉमिक मॉडल 1913 1913 में दिया गया। आप देखेंगे कि 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड मॉडल आता है और 1911 में नील्स बोहर का मॉडल आता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, मॉडल कैसा कैसे दिखेगा, तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और उसके अराउंड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, दिस आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, एंड दीज ऑर्बिट्स कैन नॉट बी एनी रैंडम रेडियस या एनी रैंडम प्लेस, वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स हैं
ये एनर्जी लेवल्स कैसे बताए जाएंगे, ये ऑब्वियसली हमें डिटेल में ये मॉडल स्टडी करना है तब पता चलेगा। इन जनरल इस मॉडल की एक और खासियत ऐसी है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन के लेवल फिक्स हो गए, एनर्जी लेवल्स फिक्स हो गए, तब हमें ये पता चलने लग गया कि ओके कोई इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड से गिरेगा तो यहाँ पर तो इतना ही गिरेगा, राइट। इलेक्ट्रॉन कहीं पर यहाँ से आके यहाँ तक नहीं रुक सकता, राइट। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये दिखाने के लिए, एक यहाँ पर मैं आपका ध्यान चाहूँगा, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से सेकंड ऑर्बिटल से निकल के यहाँ पर बीच पर कहीं रुकने वाला नहीं है। अगर वो गिरता है यहाँ से सेकंड ऑर्बिटल से तो उसको फर्स्ट में ही आना पड़ेगा, अगर वो थर्ड से गिरता है तो उसको सेकंड में या फर्स्ट में ही आना पड़ेगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन जब जंप करते हैं एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में तो वो फिक्स्ड जंप होती है, जिसके वजह से एक और फिनोमिनन एक्सप्लेन होने लग गया जो पहले से मालूम था। पहले ही ये मालूम था कि एटम्स में से जो एनर्जी एमिट होती है वो पर्टिकुलर यानी एनर्जी के ही रेडिएशंस एमिट होते हैं, कुछ भी रैंडम नहीं हो सकता। अब अगर पर्टिकुलर एनर्जी के ही एमिट होती है तो ये कंसेप्ट यहाँ पर लागू होता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जंप होती है वो अगर पर्टिकुलर एनर्जी लेवल की ही होती है तो एमिट होने वाली एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होगी। ये कंसेप्ट भी बोहर्स एटॉमिक मॉडल से हमें पता चला। ये बहुत बड़ी लीप थी हमारे एटम के अंडरस्टैंडिंग में, इसको भी डीप में हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। अब उसके आगे क्या हुआ, उसके आगे 1917 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन के बारे में भी पता किया, प्रोटॉन के बारे में भी हमें पता चला, राइट। तो हम लोगों को प्रोटॉन्स के बारे में पता चला, लेकिन क्वांटम थ्योरी डेवलप होने लग गई थी। तो अरविंद श्रोडिंगर और बाकी के कई सारे फिजिसिस्ट, उन्होंने 1920s के आसपास, 20s का जो कुछ भी पूरा टाइम है, उसमें एक नया थ्योरी पुट फोर्थ किया जिसको हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बोलते हैं। इस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में घूम रहा था वैसा नहीं होता। सो इलेक्ट्रॉन्स अब एक्चुअली यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम हैव ओनली क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, ये बोहर जैसा ही ट्रू है। लेकिन अब इस केस में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लोकेट नहीं किया जा सकता, इलेक्ट्रॉन कोई एक जगह पर नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन एक काफ़ी सारे बड़े स्पेस में घूमते रहता है, बस फास्ट, राइट ना। फास्ट अगर एक आधी चीज़ इतने फास्ट घूम रही है कि सिर्फ हमें वो क्लाउड जैसा दिख रहा है, राइट। जैसे मैंने यहाँ पर एक स्फीयर, स्फेरिकल आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, इनको अब ऑर्बिट नहीं, उनको नाम दिया ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल्स हमेशा सिर्फ स्फेरिकल होते ऐसा नहीं है, ऐसा भी शेप होता है कहीं पर, ये डंबेल जैसा शेप आप देख रहे होंगे, तो इसको मैं स्फेरिकल लूंगा, ये डंबेल्ड शेप बोलूंगा। ऐसे अलग अलग शेप के ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ही एटम में ऐसे कई सारे शेप्स के अलग अलग ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, एक्चुअली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये एक सपोज तरीका है चीज़ों को सॉल्व करने का, इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम लोग जिससे पर्टिकुलर एनर्जी के लिए एक वेव फंक्शन नाम की चीज़ मिलती है, राइट। ये वेव फंक्शन को वैसे कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, लेकिन उसका साई यानी वेव फंक्शन का स्क्वायर, मॉड साई स्क्वायर, ये जनरली प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट ये बताती है। यानी अगर सपोज न्यूक्लियस के अराउंड मैंने यहाँ इस पॉइंट के लिए सपोज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करता हूँ मैं सपोज, तो मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो पता चलेगी। तो पर्टिकुलर एनर्जी के लिए ऐसे सभी लोकेशंस पे इलेक्ट्रॉन रहने की प्रोबेबिलिटी अगर मैं पता करता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जहाँ पर हाई है ऐसे सभी पॉइंट मुझे मिलता है, तो ये ग्रीन रीजन बन जाता है, वही हमारा ऑर्बिटल है। तो ऑर्बिटल जनरली क्या है, तो फिर से पता ध्यान दीजिए, कोई इलेक्ट्रॉन, कोई पर्टिकुलर एनर्जी होने वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पर मिल सकता है उस पूरे रीजन का, राइट। वो शेप अगर आप लोगे तो दैट इज ऑर्बिटल, दैट्स इट। अब इन ऑर्बिटल्स को और अच्छे से समझने के लिए काफ़ी समय लगेगा। वैसे तो मैं बोलूँगा कि ये क्वांटम थियोरी वगैरह सीख के उसको और डीप में जाने के लिए तो आपको आगे के यानी ईयर्स में आगे की डिग्री, बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री करनी पड़ेगी। अभी हम लोग हमारे 11th 12th के लिए इसका कुछ बेसिक चीज़ें सीखने वाले हैं, तो वो हम बाद में सीखेंगे। मैं आपको बताऊंगा जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है और समझने लायक है, वो चीज़ें हम लोग समझेंगे, सीखेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि ये मॉडल और कुछ नई चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है जो इसके पहले वाली थियरीज नहीं कर पा रही थी। हम लोग नई नई थियरीज क्यों बनाते जा रहे हैं, क्योंकि पहले वाली थियरी थी इनकम्प्लीट थी, कुछ चीज़ें वो एक्सप्लेन नहीं कर रही थी, करने के लिए हमने नई थियरी बनाई, नया मॉडल बनते गया और हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। एटम नहीं बदला, हमारा एटम का अंडरस्टैंडिंग बदल रहा है, हम एटम को और अच्छे से जानने लगे। इसके बाद 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन ढूंढ निकाला, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। ध्यान दो, अभी इवन श्रोडिंगर मॉडल उसके पहले आ चुका था,
तब तक हमें न्यूट्रॉन नहीं मालूम था। अब हमारा जो कुछ भी एटॉमिक मॉडल है, जो हम लोग यानी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है वो यूज़ कर रहे हैं, उसमें एक एडिशन हो गया, न्यूक्लियस में अब प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन्स आने लग गए और साथ में ऑर्बिटल्स हैं, करेक्ट। तो ये अब मेरे ख्याल से हमारे लिए फाइनल मॉडल हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। इसके आगे हमें और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारे सिलेबस की बात है, करेक्ट। सो क्या है फिर हमारा मॉडल, कि न्यूक्लियस इज अ वेरी टाइनी स्पेस वेयर न्यूट्रॉन्स आर एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट। वैसे तो ये भी सोचने वाली बात है कि प्रोटॉन प्रोटॉन पॉजिटिव होते एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं करते, तो वो सीखने के लिए भी अलग कंसेप्ट हैं, यहाँ पर मत पूछिए, टाइम लगेगा। अब उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरीके से, एक इलेक्ट्रॉन अगर लेंगे तो भी वो अलग अलग जगह पर रह सकता है बजिंग अराउंड, तो उस वो मिलने की प्रोबेबिलिटी हाई रहने वाला स्पेस अगर हम लेते हैं तो वो ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो ये हमारा मॉडल है जो हमें मालूम है। अब इसके आगे भी हमारा एटॉमिक यानी ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है उसका अंडरस्टैंडिंग आगे बढ़ता चला जा रहा है। एक स्टैंडर्ड मॉडल आया आगे चल के 1970s से आगे, जिसमें हमें पता चला कि ये प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स भी जो होते हैं ना वो फंडामेंटल नहीं है, उनसे भी छोटे पार्टिकल्स हैं, क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, गेज बोसॉन्स, नियरली 200+ पार्टिकल्स हमें मालूम हैं, जिनके अलग अलग कॉम्बिनेशन से ये पार्टिकल्स बनते हैं। फिर उसके आगे तो स्ट्रिंग थियोरी भी आई, जिसमें ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि ये भी सभी पार्टिकल्स जो है बेसिकली स्मॉल वाइब्रेटिंग एनर्जी पैकेट्स हैं, राइट। तो अब ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि साइंस रुका नहीं है, अवर क्वेस्ट विल गो ऑन, वी विल कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स। अभी आपके सिलेबस के लिए हम लोग जो हमारा विक्टर यानी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है वहाँ तक की चीज़ें सीख के उससे हम लोग अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो चीज़ें कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं वो देखेंगे। लेकिन ध्यान में रखना, वी यूज सिंपलेस्ट मॉडल्स एज पर नीड टू एक्सप्लेन वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। जैसे अगर हमें सपोज बेसिक बॉन्डिंग बताना है, तो आपको मालूम है आप लोगों ने न्यूक्लियस और उसके अराउंड फिर इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा सिंपल ऑक्टेट कंप्लीट होने वाला मॉडल वगैरह आपने लिया था, ऐसा सिंपल एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग लेते हैं। हमें ये भी यूज़ करना पड़ेगा कई वक्त पर, राइट। कुछ जगह पर हमें थोड़ा सा वेक्टर एटॉमिक मॉडल लेके आना पड़ेगा। सो ध्यान में रखना, ये थियरीज जो होते हैं ना, ये थियरीज अलग अलग साइंस के प्रॉपर्टीज, फाइंडिंग्स, उसको एक्सप्लेन करने का हमारा तरीका होता है। तो बहुत कंफ्यूज नहीं हो जाना है, हमें हर थियोरी का स्ट्रेंथ वीकनेसेस मालूम होने चाहिए, और जो भी हमें आंसर फाइंड आउट करना है उसके लिए कौन सी थियोरी बेस्ट रहेगी वो यूज़ करके हमें आगे बढ़ना है। तो आई होप ये पूरी की पूरी चीज़ें सीखने के लिए आप अपने पेशेंस बनाए रखेंगे और पे पूरी मेहनत करने के लिए रेडी रहेंगे। एक बार आप ये ज़रूर कीजिए कि ये जो पूरा मैंने टाइम लाइन बताया, ऐसा टाइम लाइन कि कब कौन सी चीज़ का डिस्कवरी हुआ, कौन सा मॉडल आया और हर मॉडल का क्या स्पेसिफिक आइडिया था, उसका एक चार्ट जरूर बनाएं, वो चार्ट अपने घर पे लगाएं और उस चार्ट का फोटो मुझे भेजिए। अगर आप ये करते हैं तो मैं समझूंगा आप सच में अच्छा पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो चार्ट आप बनाएंगे वो आपके घर पे लगा रहेगा, आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच।